हे गाइस, अगर आप अकाउंटेंट हो या अकाउंटिंग फील्ड में अपना करियर स्टार्ट करने के लिए किसी भी पर्पस के लिए इंटरव्यू दे रही हो, तो एक क्वेश्चन वहां पे सबसे ज्यादा आता है कि सैलरी क्या लोगे। ये क्वेश्चन सामने से कंपनी आपसे पूछती है और यहाँ पे रिप्लाई देना ना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। आपके माइंड में आता है कि क्या मैं बोल दूं, क्या सैलरी बोलूं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपने सैलरी कम बोल दी तो कंपनी आपको कहीं कमी सैलरी ना दे दे। मान के चलिए कंपनी सामने से चाह रही थी कि आपको 60,000 ऑफर करने के लिए रेडी है, आपने बोल दिया कि सर मैं 45 में ओके हूँ, तो कंपनी आपको 45 भी दे देगी। ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। कंपनी आपको 50 देना चाह रही थी, आपने 70 मांग ली, तो कंपनी बोले अरे भाई ये तो बहुत ज्यादा मांग रहे, आगे बात ही करता हूँ। तो ऐसा भी सिचुएशन हो सकती है। कंपनी वहां पे आपको बोलेगी भी नहीं कि मैं 50 ऑफर कर रही थी। कंपनी को हो सकता है कि वहां पे लगे कि ये तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी कि वो 70 मांगना एक्सपेक्ट कर रहा था और मैं 50 बोलूंगी, तो उसे लगेगा छोटी सी कंपनी है, 50,000 ही देंगे। जो भी सैलरी चाहिए आप इसको 10-20 हजार रुपए में कैलकुलेट कर लो, 50-70 हजार में कर लो, जैसे भी डिपेंड करता है कि आप किस पोजिशन पर किस नॉलेज के साथ जा रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये आ गई। तो इसीलिए ना आपको इसका आंसर सही से पता होना और सही तरीके से हैंडल करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मार्केट में ना स्टैंडर्ड को समझना जरूरी है। रिसर्च करो कि आपकी इंडस्ट्री में सिमिलर रोल के लिए क्या क्या सैलरी ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि पता चला सबको मिल रही है 50,000 रुपए, आप आ जाके कह मैं ना 20,000 रुपए में काम करने के लिए रेडी हूँ, तो अभी गड़बड़ हो जाएगी। या ऐसा ना हो कि बाकी सबको मिल रही है 30,000 रुपीज, आप कह मैं ना 60,000 रुपीज लूंगा आपसे, अरे वो वैसे इंसल्ट हो जाएगी। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि मार्केट में जो आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से बाकी सबको क्या मिल रही है। और क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैटर कर जाती है। मान के चलिए आप भी फ्रेशर है, वो भी फ्रेशर है, आपके पास 25 सब्जेक्ट्स की नॉलेज, आपके पास एक्सपर्टाइज नॉलेज है, सर्टिफिकेशन बहुत सारे हैं, उस चीजें तो आप किसी दूसरे फ्रेशर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। उसको तो सैलरी कम ही मिलेगी, आपको सैलरी ज्यादा मिलेगी क्योंकि आपके पास नॉलेज ज्यादा है। ठीक है, और इसके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है आप वेबसाइट्स पे जाइए, जैसे कि ग्लास डोर हो गया, लिंक्डइन हो गया, नौकरी.com हो गया, मॉन्स्टर.com हो गया, जहाँ पे जॉब पोर्टल्स है वहां पे सर्च करो, एक आइडिया ले लो कि किस सिटी में किस पोस्ट के लिए कितने एक्सपीरियंस में क्या सैलरी ऑफर कर रहे हैं। आपको वहां से एक्चुअल आइडिया मिल जाएगा, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से बताएंगे। वहां पे कम एक्चुअल डेटा मिल जाएगा कंपनी एक्चुअल में क्या पे कर रही है, या आपको ना एक रियलिस्टिक आइडिया दे देगा कि आपको क्या डिमांड करना चाहिए। कंपेयर करोगे आपकी सिटी में और बाकी सब इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, उसके हिसाब से फिर आप एक आइडिया लग जाएगा, तो कॉन्फिडेंटली उसके आसपास अपनी सैलरी डिमांड कर सकते हो। हेलो, टिक तो आपके लिए ये थी। सेकंड है, अपनी स्किल्स और एक्सपीरियंस को ऑनेस्टली असेस करो। अगर आपके पास स्पेशलाइज्ड स्किल्स है, जैसे कि जीएसटी, एडवांस एक्सेल, ऑडिट की आपको नॉलेज आती है, या फिर आपकी और भी नॉलेज है, तो वैल्यू ऑटोमेटिकली आपकी इंक्रीज होगी, क्योंकि ये आपके यूनिक सेलिंग पॉइंट्स है, मतलब यूएसपीज हैं आपके। यहाँ पे समझ सकते हो, देखो यहाँ पे आप अपनी स्किल्स ही सेल आउट कर रहे हो, तो ये आपके पास एक स्पेशल चीज है जो बाकी कैंडिडेट्स में नहीं हो। कंपनी अगर आपको हायर कर लेती है और आपको ये नॉलेज है, तो कंपनी का बेनिफिट ज्यादा होने वाला है, क्योंकि आप उनके हाई लेवल वाले वर्क कर पाओगे, जो सीनियर अकाउंटेंट वर्क करता है वो काम आप कर पाओगे, तो डेफिनेटली वो कंपनी आपको ज्यादा सैलरी भी पे करने के लिए रेडी हो जाएगी। तो बट अगर आपके पास ये स्किल्स नहीं है, तो उस चीज को एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरे पास स्किल्स नहीं है, तो मुझे अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी, तो आप उसी हिसाब से फिर डिमांड भी करो। ऐसा नहीं आता कुछ नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएशन करके आप आगे एमबीए कर लिया आपने नॉर्मल कॉलेज से, और फिर उसके बाद एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे ना 30-40, चांसेस बहुत 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 कम है जब तक कि आपके पास अच्छी नॉलेज ना हो। फिर इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कभी भी अगर सामने से आपसे पूछते हैं ना कि सैलरी कितनी लोगे, तो एक फिक्स्ड नंबर मत बोलो। इंस्टेड एक सैलरी प्रिपेयर, मतलब रेंज प्रिपेयर करो। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि यहाँ की वैल्यू, आपके हिसाब से आपकी वैल्यू 6 लाख से 1 लाख पर एनम के हिसाब से है, कि उतनी आपको सैलरी मिल जानी चाहिए, तो आप उनको बोलो कि 6.5 से 8.5 के बीच में, या 6 से 7 के बीच में, 7 से 8 के बीच में, जो भी आपको लगता है उस डिमांड वो ऐसे रेंज के हो। तो वहां पे एक फिक्स बोलना ना, ऐसा लगता है कि आप पूरा माइंड मेकअप करोगे, आप इसे रेंज में फील होता है कि चलो वो पर्सन ना सामने, मतलब कंपनी को क्या फील होगा कि आपको अपनी वैल्यू पता है, एक रेंज बोल रहे हो, इस रेंज के बीच में हम कहीं पे एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा उसमें फील होता है कि हम नेगोशिएशन के लिए ओके हैं। ठीक है, बाद में आपको लगता है, आपको अभी डाउट हो रहा है कि मैंने 6 से 7 बोल दिया, कहीं कंपनी मुझे 6 ना ऑफर कर दे, मैं 6 के लिए शायद रेडी भी ना हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो उस टाइम पे सही लगता है बोलो, बाद में कंपनी से फिर आप दोबारा। और उसके अलावा क्या हो सकता है कि आप ना कंपनी से डायरेक्टली, जब कंपनी ने पूछा तो आप उनसे क्रॉस क्वेश्चन कर, नहीं सर ये तो आप बेटर बता सकते हैं, आप बताइए कि आप कंपनी एज अ बाकी सब जो आपकी ये पोस्ट है, आप इस पे क्या सैलरी रेंज ऑफर करोगे, तो यहाँ पे आप उनको क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो। तो इससे क्या है, आपने उनका क्वेश्चन उन पे रिपीट कर दिया, अब वो आपको रिप्लाई कर सकते हैं। बट अगर कभी बताना पड़ता है, तो जो टिप्स मैंने शेयर करी उनको आप शेयर करो उनके साथ, वो मतलब यूज करो, तो आपको इजी हो जाएगा हैंडल करना और बेस्ट आंसर देना। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा क्या है कि
कि सिर्फ बेस सैलरी पे फोकस मत करो, एंटायर कंपनसेशन पैकेज जो है ना उसको कंसिडर करो, जिसमें बोनस, हेल्थ बेनिफिट, रिटायरमेंट प्लान और बहुत सारी कंपनी अलग अलग पर्क्स देती है वो इंक्लूड होते हैं, तो उन सब चीजों को देखो। कभी कभी क्या होता है कि बेस सैलरी बहुत छोटी होती है बट बाकी सारे बेनिफिट्स आपको वहां पे मिल होते हैं, लर्निंग देखो, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देखो, ये सारी चीजें। बट इसका अपोजिट भी होता है, कई बार क्या होती है कंपनी ना सीटीसी बोलती है, कॉस्टो कंपनी, वो कहती है कि आपका पैकेज ना लेट से 6 लाख का, मैं बोलता हूँ 6 लाख का आपका पैकेज लगेगा, बट जब आपकी सैलरी हैंड में आती है तो आप 6 लाख के हिसाब से आपने रफली क्या मान के चल जाएंगे कि ओके मेरे पास ना 50,000 के आसपास की सैलरी आएगी, बट पता चला इन हैंड आपके पास 25,000 30,000 रुपए ऐसे ही आया, क्यों कम। अब वो पूरा स्ट्रक्चर हो गया, वहां पे कुछ वेरिएबल पार्ट उन्होंने इंक्लूड कर दिया था, उन्होंने एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर दी थी, तो जो सैलरी काइंड हो गया था इस तरीके की। तो पहले सैलरी बात कर लो, उसके बाद फिर क्या जब वो आपको ऑफर लेटर दे तो उसमें सीटीसी को अच्छे से स्टडी कर लो कि एक्चुअल सैलरी उसमें क्या है, ऐसा नहीं हो कंपनी ने उसको जबरदस्ती बस इन्फ्लेटेड कर रखा हो कि हाँ आपको 6 का पैकेज दे रहे हैं, वो एक्चुअल में पैकेज आपका वो 3 का भी नहीं है। उन चीजों को थोड़ा सा आपको स्टडी करना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सैलरी डिस्कस के लिए टाइम सही चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली इंटरव्यू के एंड में जब एम्प्लॉयर आपसे खुद सैलरी के बारे में पूछे ना कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, तभी दो। अपने आप से सामने से मत इंटरव्यू में पूछो कि आप क्या सैलरी दोगे या मैं ये सैलरी मांगना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखो आपको हायर कर रहे हैं तो सैलरी तो वो देंगे देंगे। वैसे तो जॉब इंटरव्यू में बहुत सारी कंपनीज होती है जॉब डिस्क्रिप्शन में ही मेंशन कर देती है, बट मेंशन नहीं है तो आप वेट करो कि वो आपको ऑफर करे, और लास्ट में जब आपको लगता है तो फिर एचआर से पूछो, जिन्होंने इंटरव्यू लिया उनसे फिर डायरेक्ट ना पूछो, एचआर से आप पूछ सकते हो कि पैकेज क्या है। पहले सिलेक्शन का वेट कर लो कि जब आपने इंटरव्यू भी दे दिया सब कुछ कर लिया कि पहले उधर से फर्दर रिप्लाई आ जाए, पॉजिटिव रिप्लाई होता है तब आप सैलरी पे बात कर लेना। तो इसलिए ज्यादा जल्दी उस पर मत दिखाओ, या तो स्टार्टिंग में पूछ लो जब आपने अप्लाई करा है उस टाइम पे एचआर कॉल करेंगे आपको कि इंटरव्यू के लिए आ जाओ, इस तरीके का आपको कुछ लगता है तो उनसे उसी टाइम पूछ लीजिए कि इस पे पैकेज क्या है। तो अगर उस टाइम पे पूछो या फिर इंटरव्यू अब जब दे ही दिया सब कुछ कर दिया तो पहले यस आने का वेट कर लो, उसके बाद में पूछना, ठीक है। इसके अलावा अपनी सैलरी डिमांड को ना जस्टिफाई करना आना चाहिए आपको, मार्केट रिसर्च, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड और अपना एक्सपीरियंस के बेसिस पे डेटा रेडी करो और उसको फिर शेयर करो। जब आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ में सैलरी डिस्कस करते हो ना तो आपका केस स्ट्रांग बन जाता है। अब मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ इसको। अगर आपने पास में किसी कंपनी के फाइनेंशियल प्रोसेस स्ट्रीमलाइन किए हैं और तो इससे आपके नेगोशिएशन पावर बढ़ जाती है, मतलब आप बता सकते हो, या फिर लेट से आपने किसी कंपनी के बड़ी कंपनी थी जिसका टर्नओवर अच्छा था तो आप मेंशन कर सकते हो मैं ऐसी कंपनी में काम किया जहां पे टर्नओवर अच्छा था, या किसी सी एफ एम में काम करके आए हो कि मैं सी एफ एम में काम कर रहा है जहां पे ऐसे ऐसे क्लाइंट्स को मैंने हैंडल किया है, इतने बड़े क्लाइंट्स को हैंडल किया मैंने, एकदम जैसे कोई भी आपने वर्क किया है, बैलेंस शीट्स वगैरह प्रिपेयर करी है कि इतनी बड़ी बैलेंस शीट्स प्रिपेयर करी है, या आप अभी एज अ फ्रेशर कहीं अप्लाई कर रहे हो तो आपने लेट से डायमंड क्लब ज्वाइन किया था जो 25 सर्टिफिकेशन का कोर्सेज है, तो उसमें मेंशन करो कि मैंने उन सीवी में लिखा है, लिखे रहने तो उसके बाद में मेंशन करने की कोशिश करो वहां पे कि मैंने 25 कोर्सेज सीखे हैं, उसमें ये चीजें सीखी, मेरे पास सर्टिफिकेट 16 के सर्टिफिकेट्स हैं, बैजेस हैं, ये सारी चीजें वहां पे उनको मेंशन करो। तो इससे क्या होगा आप अपनी वैल्यू को फैक्ट के साथ बता पा रहे हो कि हाँ देखो मुझे पता है अपनी वैल्यू और आप भी को भी मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ कि मेरी वैल्यू ये है, सामने वाले को भी रियलाइज होगा और वो फिर आपको बेटर सैलरी ऑफर। सो इन शॉर्ट मैं कहूँ ये सारी चीजें जो मैंने बताई ना बहुत बेसिक है बट स्टूडेंट्स को इनके बारे में नहीं पता होता, उन चीजों पर ध्यान नहीं देते। तो अगर ये सारी टिप्स पे आप फॉलो करते हो ना और इंटरव्यू में अप्लाई करते हो इंटरव्यू को प्रॉपरली, तो आप ये मान के चलिए कि इन सारी टिप्स चीजों से ना एक तो जॉब मिलना इजी हो जाएगा और सैलरी हो सकता है जहां आप 40,000 की सैलरी एक्सेप्ट करते इन स्किल्स के कारण वो शायद आपको 45,000 तक भी मिल जाए, 5,000 रुपये महीना की सैलरी आपकी इंक्रीज हो गई, बहुत बड़ी मैटर बात हो। फिर भी कोई भी डाउट होना आप कमेंट करना, आई विल रिप्लाई, कोशिश तो रहेगी रिप्लाई करने की बट जल्द से जल्द मैं उसमें रिप्लाई करूँ, ठीक है, बाय बाय।